हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने किया बड़ौत कोतवाली प्रभारी अजय शर्मा का घेराव। बड़ौत कोतवाली पुलिस पर हिंदू युवा वाहिनी के नगर मंत्री के एनकाउंटर करने के प्रयास का लगाया गंभीर आरोप। शादी समारोह में छिपकर पुलिस से बचाई अपनी जान, परिजनों ने किया कोतवाली पर जमकर हंगामा। आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ तहरीर देते हुए कार्यवाही करने की मांग कर रही है। बड़ौत पुलिस ने दिया जांच का आश्वासन। पीड़ित वासु निवासी बावली रोड बड़ौत ने पुलिस द्वारा मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। बड़ौत नगर पालिका अध्यक्ष अमित राणा भी पहुंचे बड़ौत कोतवाली। हिंदू ब्रिगेड ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर पुलिस की शिकायत करने की भी बात कही है। आलोक शास्त्री है, जिला सह प्रभारी हिंदू युवा वाहिनी से। किस लिए थाने में आए, क्यों हंगामा? थाने में इसलिए आए हैं, कल हमारा एक कार्यकर्ता है, नगर में मंत्री है बड़ौत में, तो उसके ऊपर पुलिस ने 4 राउंड फायरिंग किया अवैध एनकाउंटर के चक्कर में। किसी और का एनकाउंटर करना था, हमारे कार्यकर्ता पर 4 फायरिंग की है और उसको मार पिटाई भी उसके साथ में की गई है। रात्रि में उसको छोड़ दिया गया ये कह करके कि तू वो नहीं था। तो हम तो ये चाहेंगे कि अपने कार्यकर्ता के जो ऊपर ये अत्याचार हुआ उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, आगे तक जाएंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। जो थाने में किस लिए आए, क्यों हंगामा किया? मेरे पति रात मेरे से फोन पर बात कर रहे थे, बात करते करते मुझे शोर शराबे की आवाज आई। मैंने इनसे मतलब पूछना चाहा कि किसी की लड़ाई हो रही है क्या, तभी तुरंत मुझे इनकी आवाज आनी शुरू होगी। पुलिस वाले इनसे बात कर रहे थे कि मतलब बदमाश है तू। इन्होंने कही नहीं भाई, मैं जिम वाला वासु हूँ। कि नहीं तू बदमाश है, ये कहने लगे भाई कॉरपोरेशन बैंक वाला वासु, तुम्हें गलत फहमी हुई किसी चीज की। कह रहे नहीं साले तू बदमाश है, चाहे तू कोई भी है, हम तेरे गोली मारेंगे। पुलिस वाले थे, 3 पुलिस वाले थे, 2 इनसे जो बात कर रहे थे वे थे, एक कोई गाड़ी वाड़ी में बैठा था, सिविल में थे ये, वर्दी में भी नहीं थे और शायद सरकारी इनके पास गन भी नहीं थी। इन्होंने 4 फायरिंग करी मेरे हस्बैंड के ऊपर, जब इन्होंने बंदूक दिखाई तो तुरंत वे भागे, क्योंकि भाई अपने बचाव में हर कोई भागेगा। उनके पीछे से फायरिंग करी इन्होंने, वे बचते बचते किसी के घर में, मतलब हमारी रिलेशन के ही हैं वो भी, उनके घर में घुस गए। उन्होंने गेट बंद कर लिए तो इन्होंने उनके गेट में भी धक्के मुक्की करी। उनके घर में सारी लेडीज थी, वे कहने लगी कि भाई ये तो बहुत सीधा लड़का है, तुम इसके साथ ऐसे कैसे कर रहे हो। तो कह रही कि वो नहीं आज तो मारेंगे जान से। कितने राउंड फायरिंग किए? 4 राउंड। अब क्या हुआ? थाने में किस लिए आए आप? थाने में हमें एक्शन चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन चाहिए तुरंत। किन के खिलाफ चाहिए? पुलिस वालों के खिलाफ। ऐसे भी किसी आम जनता के साथ ऐसा थोड़ी कर सके हैं। किसने अधिकार दिया? कानून दिखाओ हमें, वो कौन सा है। ठीक है जी, क्या मामला है वासु जी आपके? मामला ये है, मैं अपना जिम ऑफ करके 10 बजे घर के बाहर शटर डाउन कर रहा था। जैसे ही मैं बाहर रोड पे खड़ा था, पीछे से जीप आती है रेड कलर की, और उसमें से 3 बंदे निकलते हैं बिना वर्दी के और सीधा मेरे ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, बिना कुछ बात किए, बिना किसी बात। और बोला, कहते हैं कि बोला इसका मर्डर करो, इसे मारो, ठीक है जी, और 4 राउंड फायर करे मेरे ऊपर। और फिर मैं जैसे बचते बचाते गया, एक शादी वाले घर में घुसा और अपनी जान बचाई। पुलिस पकड़ लेके आई थी आज जी? पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था रात आपको? हाँ, फिर अरेस्ट कर लिया था, फिर बाद में बताया कि हम पुलिस वाले हैं। मैं तो इस वजह से भाग गया था, मैं सोचा कोई गुंडे हैं और इस तरीके से भागे मेरे पीछे कि मैं तुम्हारी मतलब गोली चला रहा हूँ, बोला इसे मारो, गोली मारो। पुलिस ने खुद ही छोड़ दिया फिर आपको? पुलिस ने आग फिर खुद ही छोड़ दिया। अब क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? अब कार्रवाई मैं उनके ऊपर मुकदमा चलाऊंगा, मैं FIR करूंगा, मैं चाहता हूँ उनको सजा मिले दोषियों को।